हमारे पूर्व की सरकार, यूपीए की सरकार, सोनिया की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अपने पाकिस्तान और अपने चीन को दोस्त मान करके सीमा को अतिक्रमण कराते चले गए, और आज वही देश का बेटा, वही देश का नेता आज जब आया है, एक एक इंच जमीन का हिसाब खोज रहा है। हमारा लक्ष्य अभी 75वां अमृत महोत्सव मनाना था, जो हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाने बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय भागलपुर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया, जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारा मिशन व विजन 2047 है। हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, MLC है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, उन्हें 70 साल मिला तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया। रामसूरत राय ने कहा कि देश में एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो एक दिन विश्व के सबसे बड़े नेता बनेंगे और पूरे विश्व पर राज करेंगे। हमारे पूर्व की सरकार, यूपीए की सरकार, सोनिया की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अपने पाकिस्तान और अपने चीन को दोस्त मान करके सीमा को अतिक्रमण कराते चले गए, और आज वही देश का बेटा, वही देश का नेता आज जब आया है, एक एक इंच जमीन का हिसाब खोज रहा है और सीमा को सुरक्षित कर रहा है और चाक चौबंद व्यवस्था हो रहा है। पहले कोई कहता था देश के अंदर कि कोई भारत का व्यक्ति आया है, वो भूखा नंगा देश का व्यक्ति है, क्या बोलेगा। लेकिन आज इसी देश का एक गरीब का बेटा जब बोलता है तो विदेश के अंदर बैठे हुए लोग कि आज मोदी क्या बोलने वाला है, आज मोदी क्या देने वाला है, आज हमको क्या सहयोग करेगा। यानी हमारा सीना चौड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य अभी 75वां अमृत महोत्सव मनाना था, जो हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे, और पूरे देश के अंदर हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इस मिशन से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबों को आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ा है, और यह देश आत्मनिर्भर होने के कड़ी में आगार अग्रसर हो रही है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज जनता को यह विश्वास हुआ है अपने राष्ट्र के बारे में, भावना के बारे में, कि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है मोदी जी के आने के बाद। और निश्चित रूप से किसान और गरीब खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं, किसानों को भी हर तरह का सहयोग, उनके लिए चिंता, इस राज्य के अंदर उद्योग लगा करके बहुत सारे फैक्ट्री खुल रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, इथेनॉल के फैक्ट्री लगेंगे, मक्का का बिक्री होगा, बहुत सारे प्रोसेसिंग यहाँ किया जाएगा। बात लोग करते थे तो जब हमारी गरीबी रेखा 22% थी, आज घट करके 10% हुआ है। ये बहुत एक सुंदर चेहरा, सुंदर समय सामने झलक रहा है। उस 10% को भी हम अत्यंत गरीब में अगर रेखांकित करते हैं तो मात्र अब अत्यंत गरीब में 1% हमारा आता है, बहुत जल्द उसको भी हम पूरा करेंगे, और अपने उन गरीब, अत्यंत गरीब व्यक्ति को, सभी को छतदार मकान हो, सभी को जमीन हो। आज हम भी एक जगह अभी जमीन का पर्चा बाँट के आ रहे हैं, और मेरा मिशन और विजन है कि निश्चित रूप से मैं जमीन दूंगा, उस गरीब को मकान मिलेगा, और मोदी जी के द्वारा उसको सहयोग मिलेगा और वो सहयोग राशि से घर बन पाएगा। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा विभाग इस पर बहुत अभियान बसेरा के तहत बहुत काम भी कर रहा है, और जिसके उदाहरण के तौर पर अभी कटिहार में मैं 100 लोगों को पर्चा दे करके आया भी हूँ। और 70 साल के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने 8 सालों में किया है। और उस 70 साल में हमारी भी सरकार थी, माननीय स्वर्गीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की,
उस सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया था, और उसमें पहले जब 7 एम्स हुआ करते थे उसमें बहुत सारे एम्स हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में स्वीकृति और बनने का काम किया, लेकिन माननीय मोदी जी 15 एम्स अभी नया हम लोगों को दिए हैं। उसके अलावे